जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुआ है कि जो रोड के दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ से, आज से अगर 7-8 साल बाद आप ये वीडियो देखेंगे या आएंगे तो आपको ये एरिया पहचान में नहीं आएगा कि क्या ये वही एरिया था जो हम ये वीडियो हम देख रहे थे। उस एरिया को अभी देखने चलेंगे, उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस तरीके से अभी काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, चौकस बाबा के इस नए वीडियो में स्वागत है आपका। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लखनऊ को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी में लखनऊ में इन्वेस्टमेंट के कहां कहां ऐसे एरिया हैं, कहां कहां ऐसी जगह हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली ये बात है कि जो लखनऊ का जो इंटीरियर है वो लगभग पैक हो चुका है। मतलब वहाँ पे अगर आपको ज़मीन लेके आप घर बनवाना चाहते हैं तो वहाँ घर बनवाने की अब जगह बहुत कम ही आपको ऐसी जगह मिलेंगी। तो लखनऊ के आउटर में बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। उस आउटर में सबसे पहला जो अगर देखा जाए, अगर आप लखनऊ में दिल्ली की तरफ से अगर आते हैं तो दिल्ली से अगर आपको आगरा आना है तो यमुना एक्सप्रेसवे पड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अगर आपको दिल्ली से आगरा से आपको लखनऊ आना हो तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पड़ता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है और आप जब लखनऊ इंटर करते हैं तो उसके आगरा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो प्रॉपर्टी का जो काम है, जो घर प्लॉट या इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस समय खरीद रहे हैं। तो हम उस एरिया को अभी देखने चलेंगे, उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस तरीके से अभी काम चल रहा है और आपको दिखाने के वहाँ के आपके वीडियो जो होगा वीडियो व्यू वहाँ के दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अगर आप उस एरिया में लेना चाहते हैं तो आप इस जगहों पर ले सकते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जो घर लेने वाले लोग हैं वो अधिकांशता जो उस रोड में पड़ने वाले, उस हाईवे पे पड़ने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से आके लोग घर लेते हैं। घर लेते वक्त अगर लखनऊ में जैसे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके वहाँ से जो सड़क आती है शहर की तरफ, वो कोशिश करता है कि वो उसी तरफ घर ले। तो अगर आप देखेंगे तो उसके तरफ हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह आगरा एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द कैसा एरिया है, कहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का किस किस तरीके से मौके चल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ ये जर्नी आपकी जारी है और इसको हम जारी रखेंगे और चलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे की ओर। तो अभी हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले हैं। ये जो रास्ता है, इधर का अगर हिस्सा दिखाएंगे, हम ललित से कैमरामैन से बोल रहे हैं कि इधर जो दिखाएंगे ये मोहन रोड है। सीधे की तरफ अगर चले जाएंगे मेडिकल कॉलेज चौक काकोरी, ये मोहन रोड पड़ता है और इससे आप बुद्धेश्वर की तरफ सीधे जाएंगे और इस तरफ दिखाएंगे तो ये आपका जो है आगरा एक्सप्रेसवे पड़ता है। और ये जो एरिया आप देखने की कोशिश करेंगे, इधर से आप जाएंगे तो ये सीधा ये आलमबाग की तरफ ये रास्ता। तो अभी हम आगरा एक्सप्रेसवे और इसके इर्द गिर्द में जो प्रॉपर्टी हैं उनको देखना चाहते हैं कि उधर कैसा एरिया है, तो वो देखने के लिए आगे चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पे
ये इधर अगर रास्ता दिखाएंगे तो ये सीधा जो है ये लखनऊ आ चुका है और ये मोहन रोड की तरफ जाता है। अगर आप आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो आगरा की तरफ से आके आप इसी रास्ता से मोहन और जो दूसरी तरफ आलमबाग दोनों तरफ जा सकते हैं। हम दिखाना चाह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुआ है कि जो रोड के दोनों तरफ इस तरफ भी और उस तरफ से, ये इधर से हम आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो आगरा से जब आते वक्त लखनऊ पहुंचते हैं तो रोड के इस तरफ और उस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी कॉलोनियां कटी हुई हैं। कुछ कॉलोनियां प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाई हैं, प्लॉट प्राइवेट बिल्डर्स ने बेचे हैं, कुछ आगे की जो बहुत सारी कुछ कॉलोनियां हैं जो गवर्नमेंट ने भी एक्वायर करी हैं और उन पे वो घर और प्लॉट उसके लिए वो बना के या सोसाइटी तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। तो लखनऊ जो है पहले, आज से अगर 10 साल पहले की बात करी जाए, 15 साल पहले की बात करी जाए तो उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था। अब आगरा एक्सप्रेसवे के बनने से क्या हुआ कि इससे रिलेटेड जो भी 6-7 ज़िले रास्ते में पड़ते हैं, चाहे वो उन्नाव हो गया, कानपुर देहात हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया या आगरा हो गया, तो जिसको भी अगर इधर लखनऊ की तरफ आना होता है और प्लॉट या घर या मकान अपना बनाना होता है राजधानी में रह के, तो वो इस जगहों पे आके करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी जो इधर प्रॉपर्टी है वो उतना, मतलब उतना एक तो उसका रेट जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अगर हम जैसे शहर के बीच की बात करने वाले, जैसे बीच में जो जगहें हैं वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ प्रॉपर्टी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 7,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, यहाँ पे आपको 2,000, 1,500 और से लेके 1,000 स्क्वायर फीट, थोड़ा अगर अंदर जाएंगे तो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाएंगे। उससे थोड़ा अगर थोड़ा अच्छी जगह होगी तो वो 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे मिल सकती है। तो ये एरिया जो पूरा पूरा है, जो एक तो ओपन एरिया है, पूरा खुला एरिया है, और आने वाले समय में जो लखनऊ की जो लखनऊ में जो डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इस तरफ होने वाले हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से, या घर या प्लॉट लेके अपना रहने का घर या घर बनाना चाहते हैं। और अभी एक्सप्लोर करेंगे आगे का वीडियो दिखाएंगे किनारे किनारे अभी बाइक से ट्रेवल करते वक्त, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इधर दोनों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी प्राइमरी स्टेज में है लेकिन आने वाले समय में इधर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के आसार हैं। अब जो है वो प्लॉट बिल्कुल जो रोड के जो सड़क के दोनों तरफ हैं वो प्लॉट बिल्कुल एक तरीके से बन कटे हुए हैं, बिके हुए हैं। आप आगे जितना आगे चले जाएंगे 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऐसा ही आपको देखने में लगेगा। आज से अगर 7-8 साल बाद आप ये वीडियो देखेंगे या आएंगे तो आपको ये एरिया पहचान में नहीं आएगा कि क्या ये वही एरिया था जो हम ये वीडियो हम देख रहे थे। तो अब हम यहाँ से इधर भी देखो, यहाँ सारे ये प्लॉटिंग हो रखी है। अब हम यहाँ से आगे वापस लौटेंगे। ये आगरा एक्सप्रेसवे का हमने आपको दिखाया।